तो टुडे इज 18th अप्रैल, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और वार मेमोरियल घूम के बतिशा लूप का अब हम लोग दार्जिलिंग को छोड़ रहे हैं, गाड़ी में है। अभी मैंने चेक किया अपनी गाड़ी में तो 525 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पटना से दार्जिलिंग का डिस्टेंस हमने कवर किया, क्योंकि ट्रिप को हम लोगों ने वो कर दिया था, जीरो पे कर दिया था। और जो फ्यूल टैंक हम लोगों ने फुल करवाई थी करीब करीब 30 किलोमीटर पटना से ट्रेवल करने के बाद कराई थी, तो मान लो कि 500 किलोमीटर आफ्टर फुल फ्यूल टैंक रिफ्यूलिंग के बाद हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। जो ब्रिजा का जो फ्यूल टैंक का इंडिकेटर है वो शो कर रहा है कि हाफ के आसपास कंज्यूम हो गया। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वापस सिलीगुड़ी की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि अब सिलीगुड़ी में ही जाके रिफ्यूलिंग कराएंगे, देखते हैं अगर थोड़ा सा ऐसा लगा या पंप पे इनसफिशिएंट स्पेस मिल गया तो पार्क करके रिफ्यूलिंग करा लेंगे। ये आ गया घूम स्टेशन, काफी पॉपुलर है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से ज्यादा घूम स्टेशन पॉपुलर। वी आर क्रॉसिंग सोनाडा, अच्छा खासा मार्केट है ये भी। अभी एक बोर्ड आया था पीछे छूट गया, वहां लिखा था कि वेलकम टू नया बस्ती जीरो वेस्ट विलेज। इसी तरह से जब हम लोग रॉक गार्डन की तरफ नीचे उतरे थे कल शाम को, तो जो टी गार्डन एरिया था वहां पे ऑरेंज टी वैली, तो वहां पे लिखा हुआ था यू आर इन केमिकल फ्री जोन। छोटा मोटा मार्केट यहाँ पे भी है, लोकल वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पे भी लिखा है राजहट्टा अ जीरो वेस्ट विलेज। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं करस्योंग को, अभी तक तो गाड़ी एकदम स्मूथली चली है, कहीं कोई ऐसा ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, कोई कंजेशन नहीं, हल्का फुल्का ओवरटेकिंग वगैरह तो ये रेलवे ट्रैक जो है बगल में इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है किसी किसी स्लोप पे। और पूरे रास्ते जो है ना ये ट्रीज होम स्टेज मिल रहा ऊपर। दार्जिलिंग में मॉल रोड में दो पंप थे, एक रास्ते में आया एक यहाँ पे है कुर्सियोंग के पास, भारत पेट्रोलियम और इंडो ऑयल के पंप्स हैं अप्रोक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वी आर क्रॉसिंग टुंग TUNG। कितना डिस्टेंस हो गया देखिए तो 43 18 किलोमीटर के नीचे अभी तक। तो कुछ से हम लोग
नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे शार्प जो स्टीप्स है ना वो शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ आराम आराम से हम लोग चलेंगे क्योंकि पीछे नीलेश भी है। स्पीड को 30 के नीचे 30 के आसपास ही रखना है, हॉर्न बजा के चलना क्योंकि जो सामने से आ रहा होगा ना उसको दिक्कत होगी। अगेरी भी पता है ठीक, और ये कुर्सियोंग से हम लोग जैसे नीचे उतरे हैं टी गार्डन ही है, ये कितना शानदार लग रहा है। इसमें हम लोग बनाना चाहिए क्या बैठ के खाना, फोटोग्राफी वगैरह। हाँ। इन क्या कीजिएगा, टूरिज्म स्पॉट पे जब जाता है आदमी तो ट्रैप हो जाता है, यहाँ बैठिए वहाँ कॉस्ट्यूम पहनिए वहाँ फोटो खिंचाइए। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा, कोई रश भी नहीं है कुछ नहीं है। लोग ऐसा कपड़ा पहनता है जैसा हम लोग को पहना दिया था, रेड रेड वैसा थोड़ा सा फेस्टिवल वाला पहना दिया था। ये देखिए शेयर टैक्सी है, यहाँ पे लोग चढ़ते उतरते भी रहते हैं, बढ़िया असली है ये। अगर ऐसे अगर ग्रुप नहीं आ रहे हो इंडिविजुअल आ रहे हो तो मस्त शेयर टैक्सी कर लो, बिजी राइड वगैरह भी एक अच्छा ऑप्शन है, और अपना मन है कुर्सियोंग में उतर जाओ, कुर्सियोंग में एंजॉय करो, अगले दिन कुर्सियोंग से After traveling approximately 35 to 40 kilometers, we have halted at Anju Hotel. कीजिए ना आप लोग, 35 to 40 kilometers travel कर चुके हैं हम लोग, time is 1:30, yes, और ये अपनी गाड़ियां यहाँ लग गई हैं। ये है Anju Restaurant, तो हम लोग इसके टेरेस पे आ गए हैं। टेरेस पे जो है कुछ ऐसा लग्जीरियस वगैरियस कुछ भी नहीं है, और बट बैठने के लिए अच्छी जगह है, मौसम पूरा साथ दे रहा है। यहाँ से आपको कुर्सियोंग टोंग दिखाई दे रहा होगी, देखिए, या कुर्सियोंग और छोटे मोटे जो एडजस्टेंट नया गांव बस्ती और ये सब चीजें हम लोग पीछे छोड़ते हुए आए हैं, वो सब यहाँ से विजिबल है। सो वी आर डन हियर, थोड़ा सा मैगी मोमोज फ्राइड राइस चाय ये सब लिया हम लोगों ने, ठीक ठाक था, नॉट वर्थ, मतलब आई वोंट रिकमेंड कि आप अगर आप कुर्सियोंग और दार्जिलिंग से आ रहे हो और टुवर्ड्स सिलीगुड़ी तो डोंट हॉल्ट हियर अनलेस कि अगर आपको बहुत मजबूरी है। वी आर क्रॉसिंग रोहिणी, टाइम हो गया है 2:45 और 40 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं दार्जिलिंग से, बीच में रुके थे अंजुम फैमिली रेस्टोरेंट में, एक्सपीरियंस वहां का बता दिया था आप लोगों को। ये पहला टोल प्लाजा आया है, जब से हम लोग दार्जिलिंग से निकले हैं पहला टोल प्लाजा आ गया, 566 किलोमीटर पटना से लेके अभी तक का ये टोटल ट्रिप। सो वी हैव क्रॉस द टॉल, अब जो है वो स्टीप वाला खत्म हो गया रोड रास्ता, नहीं अब जो प्लेन एरिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं। आप सिलीगुड़ी की तरफ से आओगे तो आपको यहाँ से बेसिकली वो जो माउंटेन का फीलिंग आना शुरू होगा, अब हम लोगों की जो माउंटेन फीलिंग है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और हम लोगों को अब गर्मी भी लग रही है, ऊपर पहाड़ों पे थोड़ा ठंडा ठंडा सा हवाएं भी ठंडी, अब थोड़ा जो क्लाइमेट है वो बदलता हुआ साफ पता चल रहा है। अब एसी का जरूरत हो सकता है, हाँ कुछ किलोमीटर के बाद एसी की जरूरत पड़ेगी, और थ्रिल जो है वो माउंटेन थ्रिल लग रहा है।
वक्त हम लोग नक्सलबाड़ी एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। अभी एक चौरास्ता टाइप का आएगा, वहां से हम लोग टर्न कर जाएंगे सिलीगुड़ी की तरफ। हाँ, ये वही रेड लाइट एरिया जहाँ से हम लोग लेफ्ट मोड़ेंगे शायद सिलीगुड़ी के लिए। आगे वो रहा, शायद यही दार्जिलिंग मोड़ है। हाँ, राइट साइड अगर जाएंगे तो टुवर्ड्स मे बी सिक्किम की तरफ जाए, बट वी हैव टू गो टू लेफ्ट। टोटल 603 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया पटना से। टाइम इज 4:00 और हम लोग अब वेस्ट बंगाल भी ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले थे। फ्यूल टैंक आधा से कम हो चुका था, तो इट्स टाइम टू रिफिल द टैंक। डीजल यहाँ पे कंपेरेटिवली बिहार से सस्ता है, 92 रुपीज़ 59 पैसे पर लीटर, और उसके मुश्किल से हाफ एन आवर के बाद हम लोग बिहार में एंटर कर जाएंगे। तो किसी टी स्टॉल वगैरह पे अगर रुकते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। फ़ोन में मेमोरी इशू भी है और फ्रेंकली कुछ बताने को अब है नहीं, और अब जितनी जल्दी पटना पहुंचा जाए ये मोटिव रहेगा हम लोगों का। तो 720 किलोमीटर्स टोटल गाड़ी चल चुकी है, टाइम हो रहा है अभी 7:35 और हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया था हम लोगों ने ठाकुरगंज थाना चौक पे, जो कि किशनगंज और अररिया के बीच में आता है। तो इस बीच जो इतने सारे डाइवर्जन्स थे और जो फोर लेन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब वापस से हम लोग आ गए हैं प्रॉपर फोर लेन पे, और 7:30 हो रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 आवर्स में यहाँ से पटना हम लोग पहुँच जाएंगे। मिडवे एक हॉल्ट लेंगे डिनर का या फिर टी का किसी का भी, और लगातार जर्नी चलती रहेगी। तो 8:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए हैं सिमराही बाजार चौक। यहाँ से पटना अप्रोक्सीमेटली 240 किलोमीटर है। इस तरफ लेफ्ट साइड मधेपुरा, जो कोशी महासेतु है जिस ब्रिज को हम लोग क्रॉस करेंगे वो 19 किलोमीटर। सिमराही बाजार से थोड़ा सा आगे बढ़े और मुझे लगा कि एक जेन्युइन ब्रेक बनता है, क्योंकि जो मेरे ड्राइवर हैं चाहे जो कंपेनियन है नीलेश, इन लोगों की ड्राइविंग लगातार दार्जिलिंग से हो रही थी, तो एक ब्रेक तो इन लोगों को चाहिए था। एक टीक ब्रेक लेते हैं, फिर से मैं वापस से स्टेयरिंग पे जाता हूँ, फिर दरभंगा पहुँच के डिनर के बाद फिर एक्सचेंज किया जाएगा। तो इट्स 10:15 और अब हम लोग रुक गए हैं दिल्ली रेस्टोरेंट में, जो कि है NH57। दरभंगा से 10 किलोमीटर्स पहले हम लोगों ने टॉल क्रॉस किया और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आए थे, बट असल में जब पटना से निकले थे टुवर्ड्स सिलीगुड़ी तभी ये रास्ते में नजर आया था, तो डिसाइड किया था कि लौट के आएंगे और यहीं पे डिनर किया जाएगा। तो अभी अंदर गए नहीं है, अंदर जाके डिसीजन लेंगे कि फैमिली के लिए सूटेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से आपको आगे अपडेट देते हैं। तो इट्स 11:20, डिनर हो गया दिल्ली रेस्टोरेंट में। हम लोगों ने ऑर्डर किया था पनीर पंजाबी मसाला, बटर रोटी, और क्या ऑर्डर किया था, पनीर क्रिस्पी फ्राइड और मिक्स वेज और फिरनी और हाफ चिकन हैदराबादी बिरयानी। फूड अच्छा था, रिकमेंडेड है,
अगर आप इस रूट में NH57 पे ट्रेवल कर रहे हो, यू कैन हॉल्ट एट दिल्ली रेस्टोरेंट। थोड़ा सा इन लोगों ने सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बना रखा है, एम्पल पार्किंग स्पेस है, स्टाफ कोऑपरेटिव है, सर्विस अच्छी है, सर्विस फास्ट है। हम लोग चलते हैं आगे मुजफ्फरपुर होते हुए पटना की तरफ। कोशिश ये रहेगी कि लगातार जर्नी करें। 11:30 हो रहा है ना, 2:30 का टारगेट है कि 2:30 में फ्लाइट में चेक इन कर लेना। चलिए आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली 12:30 हो रहे हैं और अब हम लोग चांदनी चौक मुजफ्फरपुर में एंटर कर गए हैं। NH57 से अब हम लोग आ गए हैं NH पटना और मुजफ्फरपुर वाले नेशनल हाईवे पर, NH28 पे फिलहाल। तो रामदयालु से ये चेंज हो जाएगा पटना की तरफ। तो अभी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 967 किलोमीटर है और अभी टाइम हो रहा है 12:30। लगभग 1.5 घंटे हम लोगों को 90 मिनट्स और लगेंगे पटना पहुंचने में। पटना इसी बहाना हमने फोन भी लिया, सक्सेसफुल हो गया काम, हो गया। हो रहे हैं रात के और हम लोग पहुंच गए हैं एकमात्र टॉल मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग अब पहुंच जाएंगे पटना। आपको हमारी ये दार्जिलिंग से लेकर पटना की जर्नी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो रूट से रिलेटेड या हमारी जर्नी से रिलेटेड तो वो भी पूछिएगा। हमने पूरे दार्जिलिंग सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, चारों व्लॉग अब हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग पटना टू नोएडा का होगा जो जल्द अपलोड होगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।